मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ में इन दिनों शतरंज के इंटरनेशनल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। 19 सितंबर से प्रारंभ हुए छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर्स चेस टूर्नामेंट में भारत के विभिन्न राज्यों समेत 15 देशों के 500 से अधिक शतरंज खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। मास्टर्स कैटेगरी की स्पर्धा होटल ग्रैंड इंपीरिया में और चैलेंजर्स कैटेगरी की स्पर्धा शगुन फार्म वीआईपी रोड रायपुर में खेली जा रही है। इस शहमात के खेल में खिलाड़ियों की खूब दिमागी कसरत हो रही है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खेल मंत्री उमेश पटेल के निर्देश पर अखिल भारतीय शतरंज महासंघ, खेल एवं युवा कल्याण तथा छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के मार्गदर्शन व संरक्षण में छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ द्वारा छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर्स चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। करके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों राज्य में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने वातावरण बना रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर 19 सितंबर से राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर्स चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन के चौथे दिन भी चैलेंजर्स खिलाड़ियों ने अपना जलवा दिखाया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ज्ञानेश शर्मा ने भी इस आयोजन को छत्तीसगढ़ के चेस खिलाड़ियों के लिए बेहतर बताते हुए कहा कि इस आयोजन से छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को देश विदेश से आए खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिल रहा है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के अथक प्रयास से, उसके मार्गदर्शन में, उसके सहयोग से एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट सीएम ट्रॉफी जो कि 20 साल बाद रायपुर में हो रहा है और मध्य भारत का सबसे बड़ा टूर्नामेंट अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होना छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, विशेष रूप से शतरंज के खेल प्रेमियों के लिए बड़ी सौगात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे यहाँ के युवाओं को भी इस शतरंज प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, अच्छे उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करने की उनको प्रेरणा मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है। चैलेंजर्स टूर्नामेंट 23 सितंबर तक चलेगा। इसमें छत्तीसगढ़ समेत विभिन्न राज्यों के शतरंज खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस आयोजन की खास बात यह है कि इसमें 5 साल के बच्चे से लेकर 80 साल तक के बुजुर्ग खिलाड़ी अपना बुद्धि कौशल दिखाते हुए शतरंज की बिसात में एक दूसरे को शहमात देने की कोशिश करते रहे। इस मौके पर चैलेंजर्स खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट समेत अन्य व्यवस्थाओं की तारीफ की। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ट्रॉफी शुरू हो गई और ये आज दूसरा दिन है, दूसरे राउंड के मैच खेले गए और चैलेंजर जो है उन्होंने भी अपना जलवा दिखाया, एक दूसरे को मात करने की कोशिश की। तो जानते हैं यह रायपुर में आए हैं, किस तरह का मैच खेले, क्या लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे मैचेस थे, बहुत अच्छा कंपटीशन भी है। ठीक है, आप क्या महसूस किए? मतलब फाइटेड गेम्स थे लेकिन अच्छा लगा, मतलब खेल के लगा कि लेवल वाले टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। आगे भी इच्छा करेंगे कि छत्तीसगढ़ ऐसा टूर्नामेंट कराए। या आप बहुत छोटे हैं तो किस तरह का आपने खेला, कैसे आपने आपके विरोधियों को अपने मात देने की कोशिश, क्या कैसे खेले आप, मैच कैसे खेले? अच्छा। अच्छा क्या लगा, आपके विरोधी क्या था, उसने अच्छा खेला कि आपका अच्छा खेले? दोनों अच्छा खेले। आप आपने भी मैच खेला, कैसे महसूस किया यहाँ पे? अच्छा। क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, वो वापस होना चाहिए टूर्नामेंट। टूर्नामेंट होना चाहिए, आपको क्या लगता है? बहुत अच्छे मैचेस खेले, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए थे और मतलब मजा आया खेल के टूर्नामेंट। तो आप फिर आना चाहेंगे रायपुर? हाँ। यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी? हाँ बहुत अच्छी। तो सारे चैलेंजर्स का कहना है कि वो यहाँ पर रायपुर में एक अच्छा वातावरण उनको खेलने को मिला और एक अच्छा आयोजन यहाँ पर मैच का हुआ और ये फिर से अगर दोबारा रायपुर में इस तरह के मैच होते हैं तो निश्चित वो आना चाहेंगे। यहाँ की व्यवस्थाएं उनको बहुत अच्छी दी गई है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ चेस एसोसिएशन और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के जो बैनर तले जो यहाँ पर मैच हुआ वो काफ़ी यहाँ के मास्टर्स हो चाहे चैलेंजर्स को काफ़ी पसंद आ रहा है, साथ में उसके परिजन भी इस माहौल में बहुत अच्छा अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये आयोजन सफल कहा जा सकता है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन मिथिलेश साहू के साथ ब्रिजनारायण साहू।